गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के चलते 26 जनवरी की सुबह मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री एग्जिट सुविधा बंद रहेगी। दिल्ली की सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो की सर्विस में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत मेट्रो के सभी पार्किंग स्थल 25 जनवरी को सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 4 मेट्रो स्टेशन पटेल चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में 4 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगे। इन चारों में ITO, दिल्ली गेट, लाल किला, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन शामिल है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि मेट्रो की सेवाएं सुरक्षा एजेंसियों से मिलने वाले निर्देशों के मुताबिक जारी रखी जाएंगी और परेड के दौरान इन्हें बंद रखा जाएगा। मेट्रो की सेवाओं में हुए बदलाव के चलते मुसाफिरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में घर से निकलने से पहले सभी रूट्स को अच्छी तरह से देख लें। गणतंत्र दिवस पर हुड्डा सिटी सेंटर, समयपुर बादली मेट्रो लाइन पर आंशिक रूप से ट्रेनें चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने अपनी एडवाइजरी में बताया कि केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेंगे, लेकिन यात्री इंटरचेंज कर सकेंगे। लाइन 2 और लाइन 6 के बीच इंटरचेंज की सुविधा होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आधिकारिक बयान में बताया, सुरक्षा व्यवस्था के तहत ये अहम बदलाव करने का फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फेवर न्यूज़।